हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। कई सारे बच्चे के ये डाउट आ रहा है कि सर, नीट के लिए क्या फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, कौन सा पार्ट इसमें से हमें करना चाहिए, कौन सा पार्ट छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना चाहिए, कैसे किसी चैप्टर को इजिली फिनिश किया जाए, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। किसी भी चैप्टर को इजिली आप विद इन 30 मिनट फिनिश कर सकते हो। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, चाहे 11th का चैप्टर हो चाहे 12th का, एनसीईआरटी से आप 30 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हो। कैसे प्रॉपर स्टडी करना है ये मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। आपको तो पता होगा कि आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादा और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते ही नहीं है आपको आपके बायोलॉजी में। एंड केमिस्ट्री की भी अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक, उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बन के आते हैं। फिजिकल के क्वेश्चंस थोड़े से और एक्स्ट्रा सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होता है, बट फिजिकल के क्वेश्चंस भी वहीं से बनता है। एंड ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म वहां से ही उठ के आते हैं। तो जैसा आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आपका फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना कैसे होता है, चाहे आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले आप जिन टीचर पे भी भरोसा करते हो उनका नोट्स आप अच्छे से फिनिश करो। क्योंकि फिजिक्स के लिए अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इनके लैंग्वेज थोड़े टफ होते हैं, और ये बुक भी यार बोरिंग, इतना ज्यादा बोरिंग लगता है देखने में। अगर आप केमिस्ट्री के लिए देखो, बायोलॉजी के लिए देखो, तो कितना अच्छा कलरफुल लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी सा आता है। लेकिन फिजिक्स के लिए आप जैसे लेके बैठोगे, नींद आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कलर नहीं है, कुछ भी नहीं, लैंग्वेज भी जाओगे तो फिजिक्स पे बाद में आपको कमांड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको पहले ही कमांड आ जाएगा। तो थोड़े से टफ लैंग्वेज है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चे को कि डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट करो। सही तरीका ये होता है कि पहले आप जिन टीचर से भी पढ़ाई कर रहे हैं उनका नोट्स फिनिश कीजिए। आफ्टर दैट जहां से भी आपको सर बोल रहे हैं टॉपिक वाइज फिनिश कीजिए आप प्रॉब्लम। आफ्टर दैट चैप्टर वाइज टॉपिक फिनिश कीजिए। जब आपका सर के पास से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जनरली आप देखोगे एनसीईआरटी फिजिक्स में कोई नहीं कराते, कोई टीचर जनरली फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं कराते। उसका मेन रीजन ये होता है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये खुद से कर लोगे, क्योंकि वो कई सारे रेफरेंस बुक, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको करा चुके होते हैं। तो इसके जैसे मान लो मैं एक टॉपिक का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ईएमआई चैप्टर में ये एक एसी जनरेटर टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप एसी जनरेटर में जब आप आओगे तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना नहीं होता है। आप एसी जनरेटर को यहाँ पे देखो, इसके बाद जो इसके फार्मूले हैं, यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, फार्मूले पे एक नजर डालो, क्या आपको ये फार्मूला आता है या नहीं आता है। तो डेफिनेटली ये आता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है किसी भी सर का नोट, तो इसको अंडरलाइन करो, बस आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा सर एग्जाम्पल के ये क्वेश्चन सॉल्व करने या नहीं करने, तो क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन तो दिया रहता है यहाँ पे, क्या सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। बहुत लेंथी कैलकुलेशन दिया हुआ है, 2-3 पेज में एक ही कैलकुलेशन दिया हुआ है, फुल पेज में एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो यकीन मानो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है, आप डायरेक्ट उसको क्विट करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सेम एनसीईआरटी आप भी पढ़ते हो, सेम एनसीईआरटी जेई के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, इससे बेटर है आप कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे इसमें कैलकुलेशन कम दिया था, हमें पता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर ऐसे जो ब्लू बॉक्स में दिया रहता है ये आपको रीड नहीं करना है। लास्ट में जब आप चैप्टर में आओगे तो समरी यहाँ पे दिया रहता है, इसे मस्ट आप पढ़ना। इससे आपको ये पता लगेगा कि कोई पॉइंट आपका मिस तो नहीं हो गया है। अगर आप कोई चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हो तो फिर से मैं बताऊंगा 99% आपको पहले से आता रहेगा। फिर भी आप एक बार लैंग्वेज में पढ़ के खुद को तसल्ली जरूर दे देना। तो जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट्स थे, इन 10 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, उस पॉइंट को आप समझ लोगे यहाँ से। आफ्टर दैट किसी भी चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन मस्ट दिया रहता है, वो यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट एक लास्ट आता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्या ये हमें करना है। किसी किसी चैप्टर में आपको करना होता है, किसी किसी चैप्टर में आपको नहीं करना होता है। तो अगर आप देखो समरी पढ़ने के बाद अगर आप पॉइंट्स टू पॉन्डर को आते हो और लगता है कि आपको रिलेटेड टॉपिक मिल रहे हैं, बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ना। और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीजें इनमें दिया हुआ है तो ये आपकी काम की चीजें नहीं होती। तो ओवरऑल क्या कहा, आपका काम का चीजें हो गया, सबसे पहले किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला देखो, वो आना चाहिए आपको। एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स आप चेक कर लोगे, बहुत कैलकुलेशन है तो प्लीज मत टाइम वेस्ट करना वहां पे, इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करना है। आफ्टर दैट समरी मस्ट पढ़ना है आपको, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट डायमेंशन एक बार चेक कर लेना, बाय हर्ट आपको नहीं करना होता है।
पॉइंट्स टू पॉन्डर, आपको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत करो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज पे जब आप आओगे तो एक्सरसाइज के फिर से सभी क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, ये आप कर लेना। एडिशनल एक्सरसाइज से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना होता है, तो यहाँ पे भी आप प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। तो आई होप एनसीईआरटी से क्या करना है नहीं करना है आपको समझ में आ गया होगा, एंड आगे से आप टाइम सेव कीजिए, इसको कहीं अच्छे जगह यूटिलाइज कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आगे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप की वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।